हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसी राइटिंग के बारे में। दोस्तों, मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर, प्रेसी राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो बहुत कम हुई है, क्योंकि प्रेसी राइटिंग के मैंने सिर्फ 5 ही एग्जाम्पल्स अपलोड किया है, बाकी ऐसे राइटिंग पर, लेटर राइटिंग पर और आपके ट्रांसलेशन पर काफ़ी पार्ट्स अपलोड कर सकूँ, तो उन सब की आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। लेकिन प्रेसी राइटिंग पर सिर्फ 5 ही एग्जाम्पल अपलोड किया, तो आज हम बात करेंगे प्रेसी राइटिंग के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 31 अक्टूबर है, तो आज से लेकर आपके एग्ज़ाम आपका 14 नवंबर को है, तो टोटल लगभग मैं बोलूँ तो 11 दिन रह चुके हैं, ठीक है, थीके? अगर आज का दिन इंक्लूड करो थोड़ी, नहीं तो आप 10 दिन मान सकते हो। तो इन टोटल 11 दिनों में मैं आपको डेली एक प्रेसी राइटिंग का एग्जाम्पल लेके आऊँगा, तो टोटल 11 एग्जाम्पल और आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी प्रेसी राइटिंग की, ठीक है। वैसे ये आज का पार्ट नंबर 6 है, इससे पहले 5 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने वो पहले 5 पार्ट्स नहीं देखे, वो जाके देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रेसी राइटिंग की, ठीक है। और ये हमारा आज का 6th पार्ट है, और अगर मैं इस सीरीज़ की बात करूँ तो 11 डेज़ की, तो ये हमारा 1st पार्ट होगा उस सीरीज़ में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। सबसे पहले जो हमारे पास प्रेसी राइटिंग का टॉपिक है वो एक किताब के ऊपर है, यहाँ पे लिखा हुआ द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज वेदर वी वांट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस। कहने का मतलब किसी भी ग्रेट बुक को जो टेस्ट होता है वो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि अगर हम उसे एक बार पढ़ते हैं या फिर एक बार से ज़्यादा पढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी बुक को एक बार या एक बार से ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उस बेसिस पर हम बुक को टेस्ट कर सकते हैं कि वो अच्छी बुक है या नहीं है। आगे दी वो एनी बुक, कोई भी बुक, एनी बुक विच वी वांट टू रीड द सेकेंड टाइम, किसी भी बुक को अगर हम दूसरी बार पढ़ना चाहते हैं, इवन मोर देन वी वांट टू रीड इट द फर्स्ट टाइम, या बोलूँ एक बार से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, इज़ रियली ए ग्रेट बुक, वो बुक अच्छी बुक होती है, ग्रेट बुक होती है। किसी भी बुक को हम एक बार से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वो बुक अच्छी बुक होती है। आगे दी वो एवरी एडिशनल रीडिंग विल हेल्प अस, और जितनी भी एडिशनल रीडिंग है, मतलब दूसरी बार हम पढ़ते हैं, एडिशनल रीडिंग कर रहे हैं, वो हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड इट बेटर, इस बुक को दोबारा बेटर अंडरस्टैंड करने में, एंड वी विल फाइंड ए न्यू ब्यूटीज़ इन इट, और हम इसमें अच्छी काफ़ी पॉइंट्स, अच्छी खासी ब्यूटीज़, अच्छे खासे पॉइंट्स, अच्छी खासी काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिलती है, हम इसमें फाइंड करते हैं। आगे दी वो ए बुक डैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस इज़ वेरी प्रोबेबली नॉट वेरी मच। कहने का मतलब है कि एक ऐसी बुक जिसको हम एक बार से ज़्यादा हम नहीं पढ़ते, डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस, जिसको हमें एक बार से ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं होता, वो बुक इज़ नॉट वेरी वर्थ मच, वो बुक ज़्यादा वर्थ नहीं होती, डैट बुक इज़ नॉट वेरी वर्थ, तो ये इसमें दिया हुआ। तो ये है आपका पूरा पैराग्राफ। अगर मैं प्रेसी की बात करूँ तो मेन मेन पॉइंट्स की बात करूँ, तो इस बुक में सिर्फ ये इतना ही कहना चाहता है कि अगर किसी बुक को हम एक बार से ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो बुक अच्छी होती है, और एक बार से ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता तो वो बुक अच्छी नहीं होती। मेन पॉइंट इसका यही है कहने का, मतलब एक ही पॉइंट को इन्होंने घुमा फिरा के लिखा हुआ है। अब प्रेसी राइटिंग में हमें यही तो करना होता है कि हमें अपने शब्दों में उसका बिल्कुल निचोड़ लिखना होता है। तो चलिए सबसे पहले हमें टाइटल लिखना होता है, टाइटल हमने लिख दिया द टेस्ट ऑफ ए गुड बुक, अच्छी बुक का टेस्ट कैसे करते हैं ना। तो फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है ए गुड बुक इज़ वन विच वी रीड अगेन, एक अच्छी बुक वो होती है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं अगेन एंड अगेन, टू डिस्कवर न्यू ब्यूटीज़, ताकि हम उसमें कुछ नई ब्यूटीज़ डिस्कवर कर सके। आप यहाँ पे ब्यूटीज़ वर्ड हटा के कुछ नया वर्ड लिख सकते हो अगर आप एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना चाहते तो। बट इफ़ यू डू नॉट रीड टू इट अगेन, अगर हम इस किसी भी बुक को दोबारा रीड नहीं करते, इट मस्ट नॉट बी ए वर्थ वन, तो वो बुक वर्थ वन नहीं होती हमारे के लिए। तो बिल्कुल छोटा सा एक लाइन में हमने, दो लाइन में इसको प्रेसी राइटिंग में बिल्कुल निचोड़ लिख दिया। एक कहने बात तो वो एक ही कर रहा था ऑथर, लेकिन घुमा फिरा के उसने 3-4 लाइनों में लिख दिया, वो हमने अपनी लैंग्वेज में एक बार में लिख दिया कि अगर हम किसी बुक को बार बार पढ़ते हैं तो वो अच्छी होती है, और अगर बार बार नहीं पढ़ने का मन करता है किसी बुक का तो वो अच्छी नहीं होती, और बार बार पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुछ नई ब्यूटीज़ मिलती है, नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, और टाइटल हमने लिख दिया द टेस्ट ऑफ ए गुड बुक। तो ये था दोस्तों आपका छोटा सा पैराग्राफ प्रेसी राइटिंग का। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये पहला पार्ट है सीरीज़ का, 11 पार्ट्स की सीरीज़ का, टोटल अब आपके 10 दिन रह गए, तो डेली एक पार्ट अपलोड करूँगा जिससे आपकी प्रेसी राइटिंग की भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।